Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिटिल वर्सेस फ्यू. माय नेम इज कंचन एंड इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप इस वीडियो में सिर्फ लिटिल और फ्यू के बीच का डिफरेंस नहीं सीखेंगे, आप ये भी सीखेंगे लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है और द लिटिल में क्या डिफरेंस है. उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. लगता है आपको कि ये सेम ही होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन इनका बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर आप अ फ्यू बोलते हैं तो उसका कुछ और मतलब है, और अगर आप अ हटा देते हैं तो फ्यू का कुछ और मतलब हो जाता है. तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एक भी सेकेंड आपको मिस नहीं करना है, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि लिटिल और फ्यू का मतलब क्या है, हम कब यूज करते हैं. तो लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब कम होता है, यानी कि कोई चीज पर्याप्त न होना. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि डू यू हैव एनी मनी, तो आप जवाब देते हैं आई हैव अ लिटिल मनी. क्या आपके पास पैसे हैं? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मतलब कि ज्यादा नहीं है, थोड़े पैसे हैं. ठीक है, इस सेंस में हम लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं. अब बात आता है कहाँ लिटिल का यूज करें और कहाँ फ्यू का यूज करें. तो फर्क बहुत ही सिंपल सा है, एक बार में आप समझ जाएंगे. लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउंस के साथ. अनकाउंटेबल नाउंस होते क्या है? अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिन्हें गिना ना जा सके. गिना ना जा सके इन द सेंस जैसे कि शुगर, सॉल्ट, वाटर, मिल्क, आप इन्हें गिन नहीं सकते. आप इनकी मात्रा बताते हैं, इनकी क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन आप इन्हें गिन नहीं सकते. आप कह सकते हैं 1 kg ऑफ शुगर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते 1 sugar, 2 sugars, 3 sugars, नो, नेवर. तो अनकाउंटेबल नाउंस हुए शुगर, सॉल्ट, वाटर, मिल्क, इवन टाइम एंड मनी एज वेल. टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है. आप ये भले बोल सकते हैं 2 hours, 3 hours, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आई हैव 1 time, आई हैव 2 times, आई हैव 3 times. No, you have 2 hours, you have 3 hours, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. तो उसी तरीके से मनी, अब आप कहेंगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मनी कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मनी तो हम गिन सकते हैं, बट हम मनी नहीं गिन सकते. हम नोट्स गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, लेकिन हम मनी नहीं गिन सकते. ठीक है, हम ये नहीं बोलते आई हैव 1 money, आई हैव 2 money, आई हैव 3 money. हम बोलते हैं आई हैव 1000 rupees, आई हैव 100 rupees. ओके, तो आप रुपीज काउंट कर सकते हैं. यू कैन से आई हैव 2 coins, आई हैव 2 notes. तो आप नोट्स, कॉइन्स, रुपीज ये गिन सकते हैं, बट आप मनी के लिए 1, 2, 3 नहीं लिख सकते. तो सिंपल भाषा में अगर समझें तो जिस वर्ड के आगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लगा सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं, और जिनके आगे आप 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं वो काउंटेबल नाउंस कहलाते हैं, और उनके साथ हम फ्यू का यूज करते हैं. आगे एग्जाम्पल्स के जरिए आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. अभी हम देखते हैं कि हम फ्यू का यूज किसके साथ कर सकते हैं. तो फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउंस के साथ, या यूं कहिए प्लूरल काउंटेबल नाउंस के साथ, क्योंकि एक चीज के लिए आप फ्यू का यूज नहीं करेंगे. तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउंस के साथ फ्यू का यूज करेंगे. ठीक है, अब वो क्या होते हैं, जैसे कि बुक्स, people, days, glasses, cups, hours, इस तरीके से. तो ये सारी चीजें आप गिन सकते हैं, इनके आगे आप 2, 3, 4, 5, 6 लगा सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं 2 books, 10 people, 5 days, 3 glasses, 2 cups, 7 hours. ओके, सो दिस वे जिनके आगे आप नंबर्स ऐड कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउंस हुए, और उनके साथ फ्यू आएगा, और जिनके आगे आप नंबर्स ऐड नहीं कर सकते, जिन्हें आप नहीं गिन सकते, उनके साथ
लिटिल आएगा. तो ये डिफरेंस हुआ लिटिल और फ्यू का. कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है, फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है, और साथ ही साथ द लिटिल और द फ्यू कहाँ यूज होता है. ठीक है, सो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अब आपको समझ में आ जाएगा. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं. आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, और यू कैन से आई हैव अ लिटिल मनी. हैव के साथ गॉट का यूज. अगर आपको डाउट है इस टॉपिक पे तो मैंने एक वीडियो दी है, वीडियो नंबर 126, वो जाके जरूर देख लें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी. अब देखते हैं आई हैव गॉट अ लिटिल मनी. मनी के साथ हमने यूज किया लिटिल, क्योंकि हम मनी के आगे 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, हम मनी को काउंट नहीं कर सकते. अब इसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव गॉट अ फ्यू कॉइन्स. कॉइन्स, कॉइन्स को आप गिन सकते हैं, 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स 1 कॉइन, तो उसके साथ फ्यू का यूज होगा. आई हैव गॉट अ फ्यू कॉइन्स. ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. डू यू हैव अ लिटिल टाइम. यहाँ हमने बोला टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है, इसके साथ लिटिल आया. डू यू हैव अ लिटिल टाइम, जवाब आता है आई हैव अ फ्यू मिनट्स. मेरे पास कुछ मिनट्स हैं, मतलब कि मिनट को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ फ्यू आया, आई हैव अ फ्यू मिनट्स. ध्यान दीजिएगा अ फ्यू आया है, ये आप आगे फर्क समझ पाएंगे. नेक्स्ट वन इज आई नीड अ लिटिल फूड, मुझे थोड़ा खाना चाहिए. खाना को भी हम 1 फूड 2 फूड 3 फूड्स नहीं बोलते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है. आई नीड अ लिटिल फूड, इसलिए हमने फूड के साथ लिटिल का यूज किया. फिर बोलते हैं आई हैव गॉट अ फ्यू चपातीज, मेरे पास कुछ रोटियां हैं. तो रोटियों को हम गिन सकते हैं, हम बोल सकते हैं 1 चपाती 2 चपातीज 3 चपातीज, तो इसके साथ फ्यू आएगा. आई हैव गॉट अ फ्यू चपातीज. अब आता है इज देयर अ लिटिल वाटर, क्या थोड़ा पानी है. इज देयर अ लिटिल वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो अ लिटिल आया. जवाब आता है देयर आर अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर. जब वाटर को हम ग्लास में डाल देते हैं तो ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ फ्यू आएगा. देयर आर अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर. ध्यान दीजिएगा सारे के सारे प्लूरल हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल. लिटिल और फ्यू की सारी कंफ्यूजन अब दूर हो गई. अब हम देखते हैं कि लिटिल और फ्यू के आगे जो अ लगा हुआ है, इस अ को जब हम हटा देते हैं तो उसका क्या मतलब बनता है. एक बार यही समझाना चाहूंगी, अगर आपने कहा आई हैव अ लिटिल मनी, दैट मीन्स आपके पास थोड़े पैसे हैं, काम चल सकता है. लेकिन जब आप अ को हटा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है न के बराबर, मतलब कि आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. चलिए आगे और बेहतर ढंग से समझते हैं. ऑलराइट, तो अब मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं और अब समझते हैं कि लिटिल और अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क आता है. तो जब हम लिटिल को अ के साथ यूज करते हैं, यानी कि अ लिटिल, तो उसका मतलब होता है सम बट नॉट मच, यानी कि थोड़ा है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा है. इसी तरीके से जब हम अ फ्यू की बात करते हैं, अ के साथ फ्यू की, तो इसका मतलब होता है सम बट नॉट मेनी, मतलब संख्या में ज्यादा नहीं है पर थोड़े हैं, काम चलाने लायक हैं. लेकिन जब हम बिना अ के सिर्फ लिटिल की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है नियरली नथिंग, मतलब कि इतना कम कि जिससे काम भी ना चल सके. इसी तरीके से अगर हम फ्यू की बात करते हैं बिना अ के, तो उसका भी मतलब होता है नियरली नो, दैट मीन्स कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, नियरली नो. अब हम जहाँ पे अ का यूज नहीं करते हैं, यानी कि अ नहीं यूज करते, उसे हम वेरी से रिप्लेस कर सकते हैं, वेरी लिटिल. तो हम लिटिल बोलें या वेरी लिटिल बोलें, उसका मतलब एक ही है, वेरी लिटिल, बहुत ही कम. उसी तरीके से फ्यू बोलें या वेरी फ्यू बोलें, उसका मतलब एक ही है, मतलब कि बहुत ही कम. तो ये आप डिफरेंस समझिए, अ फ्यू मतलब थोड़ा है, फ्यू या वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम है, अ लिटिल मतलब थोड़ा है, और लिटिल या फिर वेरी लिटिल का मतलब बहुत ही कम है. इस चीज को समझते हुए आप एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं. ही हैज अ लिटिल मनी,
मतलब कि उसके पास थोड़े पैसे हैं, कम पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, लेकिन इतना है कि वो गरीब नहीं है. ही हैज अ लिटिल मनी का मतलब है ही इज नॉट पुअर. थोड़े हैं, सरवाइव करने लायक हैं. लेकिन अगर हम कहते हैं ही हैज लिटिल मनी या फिर ही हैज वेरी लिटिल मनी, दैट मीन्स ही इज वेरी पुअर. उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं. तो ये फर्क है लिटिल और अ लिटिल के बीच का. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, मतलब मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ. तो आपसे थोड़ी बात की जा सकती है इंग्लिश में. लेकिन अगर आप बोलते हैं आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, दैट मीन्स आपको दो चार वर्ड्स ही पता है, बात करना मुश्किल हो जाएगा. बहुत ही कम इंग्लिश आती है आपको. ठीक है, इसी तरीके से फ्यू के सेंटेंसेस देखते हैं. देयर वर अ फ्यू पीपल एट द पार्टी, पार्टी में कम लोग थे. अ फ्यू मतलब कम थे, पर थे, इतने भी कम नहीं थे कि कहा जाए कि केवल एक दो लोग थे. लेकिन जब आप कहते हैं देयर वर फ्यू पीपल एट द पार्टी या फिर देयर वर वेरी फ्यू पीपल एट द पार्टी, दैट मीन्स इट वॉज नियरली एम्प्टी. जहाँ पे पार्टी हो रही थी वो जगह लगभग खाली थी, एक दो लोग आए थे. तो अगर आपने अ का यूज नहीं किया तो उसका मतलब हो गया कि बहुत ही कम थे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स कि आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं तो आपसे बात की जा सकती है. लेकिन अगर आप बोलते हैं आई स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, अ नहीं लगाते तो वेरी लगा सकते हैं. आई स्पीक वेरी फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स मैं बहुत ही कम शब्द इंग्लिश के बोल पाता हूँ, बात करना थोड़ा मुश्किल होगा. ऑलराइट, अब आप इस चीज को समझ चुके हैं. तो अब हम समझते हैं कि द लिटिल और द फ्यू कब यूज करेंगे. ठीक है, ऑलराइट, तो अब बात करते हैं द फ्यू और द लिटिल के बारे में. तो जब भी हम द लिटिल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कम है पर जितना भी है, पूरे की बात करते हैं. उसी तरीके से द फ्यू का मतलब होता है कम है पर जो भी है. एग्जाम्पल देखते हैं. द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक, मतलब मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत खाना है वो तुम ले सकते हो. द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द फ्यू से लेके. The few books he has, you can borrow. मतलब कि उसके पास कम किताबें हैं पर जितनी भी किताबें हैं तुम उधार ले सकते हो, मतलब कि उसे पढ़ने के लिए ले सकते हो. The few books, कम है पर जो भी है. He has, उसके पास. You can borrow, तुम ले सकते हो. Alright, I think अब आपको little few और a little a few, द लिटिल द फ्यू और वेरी लिटिल वेरी फ्यू, इन सब के बीच का फर्क बखूबी समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर से जुड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी. तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी वो वीडियो मिस ना करें, इवन आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें. फिर मिलते हैं एक बार कुछ और कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ. इंग्लिश इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर It's just a language. You can learn it by practicing. Okay? Nothing is tough. Nothing is impossible. Now you can visit my site as well. That is www.englishconnection.online. Thanks for watching. Bye for now.